शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद पादाचार्य था, इसलिए उन्होंने एक बड़ा स्तोत्र लिखा है, बज गोविंदम बज गोविंदम बज गोविंदम मूढ़मते। अगर आपने सुना हो तो लोग सोचते हैं गोविंद का मतलब कृष्ण के बारे में लिखा है, वह उन्होंने अपने गुरु के बारे में लिखा है और उनके गुरु का नाम गोविंद पादाचार्य था। और उन्होंने इस श्लोक को दीक्षा लेने से पहले इस श्लोक का उच्चारण किया था। दिव्यो सदांगी चिंतन सदांगी परिपूर्ण रूपम अत्यंत दिव्य परिदेव भवे सदा देवो न जानाति कुतो अहं वै। शंकराचार्य ने शंकराचार्य जैसा शिष्य मिलना बहुत कठिन है, शंकराचार्य जैसा गुरु भी मिलना बहुत कठिन है। शुरू में वो शिष्य थे और शिष्य ही आगे जाकर के गुरु बनता है, क्योंकि शिष्य धीरे गुरु धीरे धीरे शिष्य में उतने ज्ञान की चेतना पैदा कर लेता है कि वह गुरुवत बन जाता है, गुरुमय बन जाता है और फिर गुरु बन जाता है। उसने कहा है कि मैं आप मुझे दीक्षा दे रहे हैं, ये मेरे जीवन का सौभाग्य है कि आप मेरे सामने खड़े हैं, ये मेरे जीवन का भाग्योदय है कि आपके मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूं, जो मेरे जीवन का सौभाग्य है कि आप मेरे ऊपर कृपा करते हुए अपने प्राणों से प्राण मिलाने की क्रिया में संलग्न हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको केवल मनुष्य रूप में नहीं देख रहा हूं, मैं श्लोक अर्थ समझा रहा हूं। आपके ये दोनों पैर मंदिर के स्तंभ हैं, खंभे हैं जिसके ऊपर मंदिर खड़ा है। इन दोनों पैरों के ऊपर जो आपका शरीर है, ये शरीर अपने आप में संपूर्ण मंदिर है और आपका सिर मंदिर के ऊपर जो शिखर होता है वह शिखर है। प्रत्येक मंदिर के ऊपर एक बड़ा लंबा चौड़ा शिखर होता है, शिखर है। और इस शरीर के अंदर जो प्राण है आपके, वे साक्षात ब्रह्म है, इसलिए मैं आपको नर रूप में भी नहीं देख रहा हूं, मनुष्य रूप में भी नहीं देख रहा हूं, देवता रूप में भी नहीं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि आपको साक्षात पहली बार गतिशील मंदिर के रूप में है, बाकी तो सब स्थिर मंदिर है, आप गतिशील मंदिर हैं, चलते फिरते मंदिर हैं। और हम और मैं शंकराचार्य का मूर्ख हैं कि हम उन पत्थरों से सिर टुकराते हैं, उन पत्थरों से सिर फोड़ते हैं, उन पत्थरों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, जबकि हमारे सामने साक्षात मंदिर गतिशील होता हुआ चलायमान चलता हुआ जीवंत जागृत चैतन्य एक मंदिर है जिसके अंदर पूर्ण ब्रह्म साक्षात रूप में उपस्थित है। जब उनके दर्शन करते हैं तो ब्रह्म के दर्शन अपने आप में ही हो जाते हैं। इसलिए मैं आपकी स्तुति कैसे करूं कुछ समझ नहीं आता है, मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है जिनसे मैं आपकी प्रार्थना कर सकूं। मैं तो इतना जानता हूं कि आप मेरे हृदय में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएं, न कामेच्छा है न भोगेच्छा है न प्राणेच्छा है, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसी इच्छा है, यह एक ऐसा मैं आपसे वरदान मांग रहा हूं कि इसके सामने सब कुछ बौने हैं, सब कुछ छोटे हैं। तो आप संपूर्ण ज्ञान और विराट व्यक्तित्व लेकर के मेरे शरीर में स्थापित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में मैं आपके कार्य को संपन्न कर लूंगा।
जो आप मुझे आज्ञा देंगे, अन्यथा मेरा शिष्यत्व ही व्यर्थ है, फिर शिष्य कहलाने के मैं काबिल ही नहीं हूं। क्योंकि शंकराचार्य श्लोक में समझा रहे हैं कि कह रहे हैं कि शिष्य का जन्म एक साधारण मनुष्य के रूप में होता है, मगर जब दीक्षा लेता है तब शिष्य वह बन जाता है जिसके लिए कहा गया, न तातो न माता न बंधो न भ्राता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न वित्तम न वृत्तिर ममेवम गतिस्तम तमेवम मतिस्तम तमेवम। जब आश्रम दीक्षा ले ली तो फिर मेरे कोई माँ बाप भाई बहन संबंधी रिश्तेदार ये सब बिल्कुल व्यर्थ से नगण्य से हो जाते हैं, फिर मैं उस कीचड़ में लिप्त नहीं होना चाहता, मैं ऐसा सियार नहीं बनना चाहता कि फिर मैं कीचड़ में लोटूं और फिर मैं कीचड़ से भर करके खड़ा हूं, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। मैं तो एक शिव की तरह बनना चाहता हूं, एक व्याघ्र की तरह बनना चाहता हूं, एक ऐसा बनना चाहता हूं कि मेरे हंकार से पूरा भारतवर्ष कंपायमान हो सके, एहसास कर सके। मैं उस ज्ञान उस चेतना को आपके कार्य को इतने पूरे भारतवर्ष में फैला देना चाहता हूं, मैं अकेला ही बहुत हूं, आप मुझे आज्ञा करके देखिए, कहिए बस एक बार मुंह से उच्चारण कर लीजिए। क्योंकि गुरु एक ब्रह्म के रूप में है, ब्रह्म के लिए कहा है कि ब्रह्म अजन्मा होता है, अगर्भा होता है, उसके हाथ पांव कान नाक कुछ नहीं होते, इसलिए गुरु के लिए हाथ पांव नाक कान सिर आंखें कुछ नहीं होता, क्योंकि वह ब्रह्म स्वरूप है। और तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश उनसे भी बढ़ करके साक्षात ब्रह्म आप हैं, और ब्रह्म हैं, और यदि गुरु ब्रह्म है तो फिर आप में से ही कोई व्यक्ति मेरा हाथ है, आप में से ही कोई व्यक्ति मेरा दूसरा हाथ है, आप में से ही कोई व्यक्ति मेरा पांव है, आप में से ही कोई व्यक्ति मेरा दूसरा पांव है, आप में से ही कोई व्यक्ति मेरी आंख है, आप में से ही कोई व्यक्ति मेरा कान है, आप में से ही अधिकतर व्यक्ति मेरे हृदय की धड़कन है। इन सारी तत्वों से आपसे मिलकर के जो चीज बनती है वह गुरु बनता है। इसलिए आप नहीं है, आप सब मिलकर के एक पूंजीभूत स्वरूप है, वो पूंजीभूत स्वरूप जो बना है उसको गुरु कहते हैं। वो पूंजीभूत स्वरूप आप बन गए तो आपका हाथ आपका नहीं रहा, आपका शरीर पूरा मेरा दाहिना हाथ बन गया, आपका पूरा शरीर मेरा बाया हाथ बन गया, आपका पूरा शरीर मेरा दाहिना पैर बन गया, बाया पैर बन गया, अधिक धड़कन बन गया, पेट बन गया, आंख बन गई, मस्तिष्क बन गया, नाक बन गई, कुछ बन गया, फिर आप तो कुछ रहे नहीं। ये विचार जब मस्तिष्क में आते हैं, यह चिंतन जब मस्तिष्क में आता है तो सोचना चाहिए कि मैं शिष्यत्व की डगर पर पहला पांव रखा है, तब सोचना चाहिए। और यह तब हो पाता है जब तुम्हारा अहंकार उगल जाता है कि मैं हूं तो गुरु जी की सेवा कर सकता हूं, मैं हूं तो गुरु जी जिंदा है, मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं, यह अहंकार है। गुरु है तो फिर आप हैं, गुरु नहीं है तो फिर आप निष्प्राण, और निष्प्राण व्यक्ति लाखों व्यक्ति घूमते हैं, जो चलते फिरते उठते बैठते जीवंत चलते फिरते एक मृत शरीर है, ये आश्चर्य है संसार में, मरे हुए शरीर है मगर चल रहे हैं, उनमें क्रोध घमंड अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है, और 80 किलो वजन है शरीर का, तो 79 किलो तो केवल अहंकार झूठ कपट है, 1 किलो में हड्डियां मांस वगैरह है। सिर्फ शंकराचार्य का मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, ऐसा ये झूठा आडंबर हो जाएगा। मैं तो ऐसा बनना चाहता हूं गुरुदेव कि मैं अपने आप में सही रखूं, मेरे नाम से मैं पहचाना जाऊं, आप जहां चले पीछे छाया की तरह मैं आपके साथ चलूं, छाया मनुष्य का साथ नहीं छोड़ सकती, मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ सकता, जहां आपके पैर में कांटा चुभेगा तो उससे 1000 गुना दर्द मुझे पहले हो जाएगा, जहां आपके ऊपर किसी की उंगली उठेगी तो उस हाथ पहले उन्हें काट लूंगा, जो आपके ऊपर घूरेगा उनकी आंखें मैं पहले फोड़ दूंगा,
मैं जिंदा हूं और आपकी तरफ कोई ताके कोई हाथ उठाए कोई देखे कोई गाली दे तो फिर मेरा जीवन धिक्कार है मृत्यु है, उससे पहले मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाए। फिर जीवन का अर्थ भी कुछ नहीं है, फिर जिंदा रहने का मतलब क्या है? फिर तो गिरफ भी जिंदा है, शेर भी जिंदा है, शियार भी जिंदा है, कुत्ते भी जिंदा है, भैंस गाय बकरी सैकड़ों जो लोग जिंदा है, हम भी जिंदा है। जीवन ये नहीं है, जीवन तो या तो किसी को हम अपना बना लें या किसी के हो जाएं, दोनों में से एक हो। दो शरीर हो मेरे प्राण भी एक ही हो, शरीर दो अलग अलग है पर दोनों के हृदय की धड़कन एक ही होती है। अगर मेरा हृदय धड़कता है तो आपका भी साथ साथ धड़कता है। मेरे हृदय में बेचैनी है तो आपके हृदय में बेचैनी होनी चाहिए। मेरा अगर अंदर तनाव है तो फिर आपके अंदर उससे ज्यादा तनाव पैदा होना चाहिए। अगर मैं व्यथित हूं तो फिर आप मुझसे ज्यादा पहले व्यथित होने चाहिए। और मुझे आपको नींद नहीं आती, आप नींद लेते हैं तो फिर आपको धिक्कार है, फिर आप शिष्य नहीं है। गुरु करवट बदल रहा है और नींद नहीं ले पा रहा है तनाव की वजह से या किसी वजह से, और आप नींद ले रहे हैं तो फिर आपके प्राण में प्राण एक हुए ही नहीं। इसके लिए कोई लेटर लिखने की जरूरत नहीं होती, टेलीफोन करने की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप प्राणों से प्राण अपने आप जुड़ जाते हैं। जुड़ जाते हैं तो फिर एकाकार हो जाते हैं, इतने एकाकार हो जाते हैं कि आप चाहते हुए भी मांस से अपनी चमड़ी को अलग नहीं कर सकते। मांस और चमड़ी बिल्कुल मिली हुई है, चमड़ी हटेगी तो मांस भी साथ साथ उखड़ेगा। और अगर आप मांस हैं तो मैं आपके ऊपर एक बिल्कुल सुंदर चमड़ी हूं, इतनी सुंदर चमड़ी आप दर्शनीय है, देखने योग्य है, अपने आप में पूर्ण है। अगर ऐसा संबंध है आपका, और यह संबंध कहने से नहीं बन सकता, यह संबंध तो आत्मा से बन सकता है। प्राणों में जब जीवन में जागृत हो जाता है कि अब मुझे अपने जीवन का सारा उत्सव गुरुमय बना देना है, ये जीवन एक दिन तो खाक में मिलेगा ही मिलेगा, एक दिन तो लकड़ियों में जाके जलेगा ही जलेगा, आज जलेगा 10 साल बाद जलेगा, मगर फिर मैं क्या बनूंगा, मेरा अस्तित्व क्या रहेगा, मैं क्या हूं और क्या होऊंगा, फिर उसका अर्थ क्या होगा, फिर फायदा भी क्या होगा जीवन का? और संतान पैदा करना है और यदि कागज के नोट इकट्ठे करने हैं तो सैकड़ों रास्ते हैं, चोरी है, डकैती है, झूठ है, छल है, कपट है, तो सैकड़ों रास्ते हैं, उसमें कौन सी लंबी छोटी बात है। और संतान पैदा करना है तो यूनिवर्सिटी में कोई बीए की डिग्री लेने की जरूरत है ही नहीं, आपको कहीं कोई पढ़ाई नहीं होती इसकी, उसकी कोई जरूरत है ही नहीं, मगर उससे होगा क्या फिर आपका? ऐसा तो कई सालों से होता आ रहा है, पिछले 5000 साल से होता आ रहा है। यहां दुर्योधन भी पैदा हुए, दुशासन भी पैदा हुए, भीष्म जैसे व्यक्ति पैदा हुए, कृष्ण जैसे महापुरुष भी पैदा हुए, राम भी पैदा हुए, इस देश में तो कई लोग पैदा हुए अच्छे और बुरे, और बुरे ज्यादा पैदा होते हैं या बुरे ज्यादा बन जाते हैं? जन्म से तो कोई बुरा होता नहीं, बुरे बना दिए जाते हैं, और बुरे बन तब जाते हैं जब हमारे कान हमारे होते हैं। हमारे कान गुरु के कान है तो फिर हमारे कान में कोई आवाज आई नहीं रही, वो चीखता रहे चिल्लाता रहे, हम बस हमारे कान में सुनते ही नहीं। और अगर उनकी आलोचना गुरु की आलोचना आप सुन लें और जिंदा रह जाए फिर आप शिष्य नहीं, या तो मर जाएंगे या फिर मार देंगे। मारने का मतलब कोई चक्कू मारना नहीं, कत्ल करना नहीं है, मतलब दो टुक उनको उस झटक देंगे कि वो दो बार दूसरी बार सोचेगा, आंख में लाल अंगार निकलेंगे आपके, एक शेप तेजस्वी बनेगा, ये चीज होगी, इधर तेजस्विता होगी, तब आप सही अर्थों में शिष्य कहला सकेंगे, तब सही अर्थों में आप गुरु में बन सकेंगे, तब आप सही अर्थों में कह सकेंगे हम शिष्य हैं। और खाली शिष्य बनने से काम नहीं चलेगा, ये चलेगा कि हमने जब गुरु का हाथ हूं मैं, या गुरु जी का प्राण हूं, या गुरु की धड़कन हूं, तो फिर गुरु के लिए हमने क्या किया का? क्या किया? उनके तनाव को दूर कैसे किया? तनाव तो आप नहीं, तो एक्स देगा, एक्स दवाई देगा, वाई जहर नहीं देगा ये तनाव, क्योंकि वो तनाव देते ही है। जहर का मतलब ही है कि आदमी को मारना, और तुम्हारे बिल्ली के हवा में जहर के अलावा कुछ घुला हुआ है ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ऐसा कहीं नहीं है। यहां पर सांस लेते हैं तो आधा जहर पहले अंदर चलता है, कोई बात करते हैं तो जहर ही अंदर घुसता है, और जहर पीते रहते हैं आप जिंदा हैं, अब इससे बड़ा और क्या आश्चर्य हो सकता है? और आप बड़े खुश हैं क्योंकि फिर आप जहर उगल जाते हैं, मुझे उगलना आता नहीं, वो गाली देते हैं आप अपनी गाली दे देते हैं, मैं अपनी गाली दे नहीं सकता क्योंकि मैं अपनी मर्यादा से आगे हट नहीं सकता। अब मैं हट जाऊंगा तो फिर मैं गुरुपत रहूंगा नहीं। अब समुद्र जिस दिन अपनी मर्यादा तोड़ देगा उस दिन मंदिर शहर 5 मिनट में डूब जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा, बस एक 5 मिनट समुद्र को आगे बढ़ना अपनी मर्यादा से बढ़कर कुछ नहीं करना है, मंदिर पूरा डूब सकता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा से आगे बढ़ नहीं सकता, मैं अपनी गरिमा से आगे बढ़ नहीं सकता,
मगर मुझे विश्वास है कि वो शिष्य है वो दो को स्पष्ट जवाब देने में समर्थ है, क्षमतावान है, तेजस्विता युक्त है, क्योंकि मैंने खून से उन लोगों को सींचा है। आपको ये पौधे जो मेरे सामने खड़े हैं उनको पानी नहीं पिलाया है, उनको खून पिलाया है, और खून से समूचे उठे हुए शिष्य है जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, हजारों पूरे भारत से फैले हुए शिष्य हैं, उनके लिए अपना रक्त बहाया है, अपना जीवन बहाया है, अपने पूरे जीवन को उसके लिए होना है। मेरे इसमें कौन सी बड़ी बात थी कि मैं बैठे बैठे राम कथा कर सकता था, कृष्ण कथा किया है, 3 साल तक तो मैं कथा वाचक था शुरू में, और जगह जगह रामायण की कथा करता था, और 3 साल तक कथाएं कम से कम 200-250 कथाएं की, एक दो ने की, और हर बार वो रावण सीता को ले गया। मैंने कहा भाई शायद अगली बार सीता उठा के रावण को ले जाए, हो सकता है ऐसा हो जाए, तो ऐसा हुआ ही नहीं। तो 3 साल तक सोचा कि फिर ये हर बार रावण ले जाता है, तब फिर 301 बार कहने से फिर होगा क्या, तो बात नहीं होगी हर बार रावण लेके